ईरान में हमास के नेता इस्माइल हनिये की हत्या के बाद से ही कई तरह के सवाल, कई तरह के कयास सामने आ रहे हैं। इस बीच एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है। एनवाईटी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तेहरान के गेस्ट हाउस में हनिये की हत्या गुप्त रूप से लगाए गए विस्फोटक डिवाइस से हुई थी। एनवाईटी ने अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि बम लगभग 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में छिपाया गया था और इस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC की थी। हनिये ने नए ईरानी राष्ट्रपति की इनॉग्रेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया था। इसके बाद हनिये की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हनिये गेस्ट हाउस के कमरे में है तो रिमोटली बम का धमाका कर दिया गया। बताया गया है कि धमाके से गेस्ट हाउस की इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गई और बाहरी दीवार को भी नुकसान पहुंचा। NYT के मुताबिक उसे मिली एक तस्वीर में ऐसी ही सूरत दिख रही है। दावा है कि इसी इमारत में हनिये की हत्या हुई थी। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कतर में रहकर हमास की राजनीतिक अगुवाई करने वाला हनिये तेहरान की यात्रा के दौरान कई बार इस गेस्ट हाउस में रुका था। ईरान और हमास ने हनिये की हत्या के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया है। इस हत्या के कुछ घंटों के बाद कयास लगे थे कि शायद इसराइल ने हनिये को मिसाइल के हमले से मारा हो, जिसे ड्रोन या विमान से दागा गया हो। हालांकि ऐसे कयासों ने सवाल उठाया कि इसराइल ने ईरानी राजधानी में इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे मात दी होगी। मगर अब जो दावा सामने आया है उसके मुताबिक हत्यारे ईरान की सुरक्षा में एक अलग तरह की कमी का फायदा उठाने में सफल रहे और उन्होंने तथाकथित कड़ी सुरक्षा वाले परिसर की सुरक्षा में सेंध लगा दी। ईरान को हनिये की हत्या से सुरक्षा चूक के मोर्चे पर भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।